वेलकम टू जीके सागा फॉर डेली करंट अफेयर्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो हॉर्नबिल उत्सव है ये हर साल मनाया जाता है नागालैंड में। तो जैसे कि हॉर्नबिल उत्सव ये हर साल 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है और यह नागालैंड में मनाया जाता है। वहाँ की जो नागा ट्राइब है वो अपना अपने जो भी कल्चर है उसको वहाँ पर दिखाती हैं इस फेस्टिवल के द्वारा। तो इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो अगर आप ये इसको याद कैसे रखें कि हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में आता है, तो इसको लिए ऐसे देखेंगे जो कि हॉर्नबिल है उसमें से आप बिल शब्द को ले लेते हैं। बिल कौन सा है जिसमें चूहे सांप ये सब रहते हैं वो वाला बिल। उसी तरह से जो नागालैंड जो राज्य का नाम है उसमें से आपको एक नाग शब्द मिलेगा। तो इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं कि नाग कहाँ रहता है, तो नाग रहता है बिल में, और नाग और बिल से आपको हॉर्नबिल और नागालैंड भी याद रह जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब नागालैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, हाल में गवर्नर कौन है, और राजधानी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ की जो राजधानी है वो है कोहिमा, पर उसका जो हाईकोर्ट आता है वो आता है गुवाहाटी में। तो इससे इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको PDF के फॉर्म में दी गई है, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आपके पास रहेगी तो आप इसको जब चाहे तब पढ़ सकते हैं और उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। पहला उल्लू फेस्टिवल किस शहर में मनाया गया? तो ये जो पहला उल्लू फेस्टिवल है ये हाल ही में मनाया गया था पुणे में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये उल्लू फेस्टिवल क्यों मनाया गया। तो जब भी आप उल्लू शब्द सुनते हो तो आपको थोड़ा अजीब लगता है ना, ये डर लगता है कि ये कैसा जानवर है, तो कैसा पक्षी है। तो वो जो लोगों की जो गलत धारणा है इस पक्षी को लेके उसको दूर करने के लिए ये फेस्टिवल ये मनाया जा रहा है। और इसका जो पहला संस्करण हुआ था वो हुआ था अभी हाल ही में पुणे में। अंडर वाटर रेल ट्रैक मुंबई और देश के बीच स्थापित किया जाएगा। तो ये जो अंडर वाटर रेल ट्रैक है हाल ही में ये यूनाइटेड अरब अमीरात ने ये घोषणा की है कि वो मुंबई से लेके दुबई तक एक अंडर वाटर रेल ट्रैक बनाने वाला है। इस रेल ट्रैक का फ़ायदा ये होगा कि दुबई में जैसे पानी की कमी है तो वो भारत की नर्मदा नदी से पानी यहाँ से लेके जाएंगे रेल ट्रैक से, और जैसे भारत में तेल की कमी है तो वो दुबई से रेल ट्रैक के जरिए तेल लेके आएंगे। इस तरह से दोनों देशों को इससे फ़ायदा होने वाला है। ये कुछ 2000 किलोमीटर लंबा ट्रैक होगा और ये पानी के अंदर से जाने वाला है। इसको याद रखने के लिए हम ऐसे देखते हैं कि जैसे कि दुबई, तो दुबई को ऐसे बोल सकते हैं कि डूब गई, है ना। तो क्या डूब गई? तो ट्रेन डूब गई। तो ट्रेन कैसे, जैसे कि इसका याद ऐसे रखेंगे जैसे कि ट्रेन कहाँ से जा रही है, तो ट्रेन जा रही है पानी के अंदर से, तो पानी के अंदर से जा रही है मतलब डूब गई ना। तो इस तरह से आप इसको लिंक कर सकते हैं कि जो अंडर वाटर रेल है वो डूब गई। तो इस तरह से मुंबई से दुबई आप इसको लिंक करके याद रख सकते हैं। अब आपको संयुक्त अरब अमीरात है तो इसका जो राजधानी क्या आती है वो है अबू धाबी, और इसी तरह से मुद्रा क्या है वो है दिराम। आपको ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि इसकी राजधानी दुबई नहीं है, दुबई इसका सबसे बड़ा शहर है पर इसकी राजधानी है अबू धाबी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फोर्ब्स की महिला तकनीक 2018 सूची में कितनी भारतीय महिलाएँ शामिल हैं? तो ये जो फोर्ब्स है ये आपको पता है एक मैगजीन है, और ये हर साल एक महिला तकनीक की सूची लिस्ट जो सूची है वो जारी करता है, जिसमें जो भी महिलाएं हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया हो, बहुत बड़ा काम किया हो, उनका नाम इस सूची में होता है। और जो 2018 की सूची है उसमें 4 भारतीय महिलाओं का नाम दिया गया है। आपको इस नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए। आपको बस ये नंबर याद रखना है कि 4 भारतीय महिलाओं का नाम इस सूची में है। किसे स्लोवेनिया की सेना की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो स्लोवेनिया है उसकी जो सेना है उसके पहले महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया एलेंका एरमैक को। आप ये फोटो में देख सकते हैं, यह है एलेंका एरमैक, इनको वहाँ की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ये खास साथ ही में जो नाटो का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी देश आते हैं उनमें से ये पहला देश है जिनकी सेना की प्रमुख एक महिला है। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। अब इसको याद के रखने के लिए वैसे देख सकते हैं कि जो कि इनका जो सरनेम है वो है एरमैक, है ना, एरमैक और अरमान, है ना, एरमैक और अरमान, ये दोनों एक जैसे सुनने में आ रहे हैं। तो इसको ये याद करने के लिए ऐसे देखें कि जो कि जो एरमैक है एलेंका एरमैक, इनका अरमान था कि वो प्रमुख बने सेना की, और उनका ये अरमान पूरा हो गया। तो इस तरह से एरमैक और अरमान आप इसको ये जोड़ के याद रख सकते हैं। स्लोवेनिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ की राजधानी का क्या है, और वहाँ के साथ ही में उसकी मुद्रा क्या है।
किस भारतीय शूटर को ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो जो कि ये ब्लू क्रॉस है, ये कोई भी शूटर को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान दिया है और ये ISSF के द्वारा दिया जाता है और हाल ही में ये मिला है अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा के बारे में आपको पता ही होगा, 2008 के ओलंपिक में इनको गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था और ये पहले शूटर हैं, भारतीय शूटर जिनको ये ब्लू क्रॉस अवार्ड दिया गया है। फ्रीडम ऑफ पेरिस पुरस्कार से किसे वंचित किया गया है? तो जो फ्रीडम ऑफ पेरिस पुरस्कार है ये हाल ही में आंग सान सू की से वापस लिया गया है। आंग सान सू की के बारे में आपको पता ही होगा कि ये म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये वहाँ पे जो पहले मिलिट्री शासन था उसको हटाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और जब ये हट गया और अभी ये जब प्राइम मिनिस्टर बनी है तब जो रोहिंगा इश्यूज के बारे में आपको पता ही होगा उसके वजह से इनका जो छवि है वो बहुत ख़राब हुई है क्योंकि इन्होंने रोहिंग्या को वहाँ से पलायन किया, वहाँ से भगाया उनको वहाँ से, इसलिए इनसे ये अब पुरस्कार वापस लिया जा रहा है। साथ ही में कुछ महीनों पहले आपने पढ़ा होगा कि इनसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी अपना पुरस्कार वापस ले लिया था। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई ऐसा सवाल आए कि कोई भी पुरस्कार किससे वापस लिया गया है तो हाल ही में आप जो भी लिए जा रहे हैं वो इन्हीं से वापस लिए जा रहे हैं, तो आपको इनका सिर्फ ये नाम याद रखना है और ऑप्शन में इसको मार्क करके आ जाना है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। जॉर्ज HW Bush किस देश के राष्ट्रपति थे? तो आप ये फोटो में देख सकते हैं, ये हैं जॉर्ज HW Bush और ये राष्ट्रपति थे अमेरिका के। ये हाल ही में न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इनका अभी अभी डेथ हुई है इनकी, तो आपको कन्फ्यूज ये नहीं होना है कि George W. Bush वो इनके बेटे हैं, वो भी जिंदा हैं, ये उनके पिताजी थे जो जॉर्ज HW Bush थे, उनका भी डेथ हुई है। तो ये साथ ही में आपको ये भी देखना है कि ये कौन से राष्ट्रपति थे, तो ये 41st राष्ट्रपति थे अमेरिका के, इस तरह से आपको इसको याद रखना है। अब जो अमेरिका है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ की राजधानी क्या है और हाल ही में वहाँ के राष्ट्रपति कौन है। CII एग्रोटेक कॉन्फ्रेंस किस शहर में आयोजित हुआ? तो CII क्या है? तो ये CII का फुल फॉर्म है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और ये जो एग्रोटेक कॉन्फ्रेंस है ये अभी हाल ही में हुई थी चंडीगढ़ में। ये अब आपको सवाल होगा कि एग्रोटेक कॉन्फ्रेंस किस चीज़ को लिए होती है, तो जैसे कि एग्रो और टेक, तो एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के यूज़ करके एग्रीकल्चर में क्या क्या सुधार लाए जा सकते हैं उसको लेके ये कॉन्फ्रेंस होती है जो कि हाल ही में आयोजित हुई थी चंडीगढ़ में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।